हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट परसिस्टेंस एंड चेंज इन पर्सनालिटी पैटर्न. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस किया था. सो पर्सनालिटी क्या होती है? आपकी पर्सनालिटी आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट होती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं. अब ट्रेट क्या होते हैं? जो एंड्यूरिंग फीचर्स होते हैं, यानी कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर आपने एक बार हेल्प की तो वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है, लेकिन बार बार जो आपकी पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी के ट्रेट्स. यानी कि आप बहुत काइंड हो, आप जेनेरियस हो, इसका मतलब क्या है कि आप सबकी हेल्प करते रहते हो. बार बार ऐसा दिखता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में, कि आप हेल्पफुल हो. तो उसके बाद ये बनता है कि काइंड जो है वो आपकी क्या बन जाएगा? पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाएगा. तो आपकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेट्स, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी. यानी कि एक, अब सब लोग सेम तो नहीं होते. कोई ऑनेस्ट होता है, कोई डिसऑनेस्ट होता है, कोई काइंड होता है, कोई नहीं होता. तो ये सब क्या है? उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, यानी कि उनके ऐसे फीचर्स जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं. अब हमने उसके अंदर बिलीव्स भी पढ़े थे कि पर्सनालिटी क्या हो सकती है. सेम भी हो सकती है कि वो चेंज ना की जा सके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज हो सकती है. उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. परसिस्टेंस एंड चेंज इन पर्सनालिटी पैटर्न. परसिस्टेंस का मतलब यानी कि पर्सनालिटी बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा, स्टेबल पर्सनालिटी रहेगी. यानी कि जैसी थी वैसी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता. और चेंज इन पर्सनालिटी पैटर्न यानी कि हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है. सो उसके रिगार्डिंग क्या क्या होता है देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफ रिगार्डिंग पर्सनैलिटी. यानी कि क्या बिलीफ है पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, क्या सोचते. सो उसमें क्या आते हैं? हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ आता है एंड मॉडर्न बिलीफ आता है. ट्रेडिशनल बिलीफ क्या होता है कि ट्रेडिशनली जो हमारा बिलीफ है वो लोग क्या मानते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो इनहेरेंट है, यानी कि हमें अपने मदर फादर फोर फादर से जीन्स में मिलती है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते. पर्सनैलिटी जैसी हमें मिली है बाय बर्थ, हम वैसे ही रहेंगे. There is a traditional belief that personality is inherent and cannot be changed. यानी कि traditional belief क्या बोलता है कि personality को बिल्कुल भी change नहीं किया जा सकता. Any effort for change in personality is fruitless. यानी कि कोई भी effort आप करते हो personality को change करने के लिए तो वो fruitless होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई benefit नहीं मिलेगा. Many people believe that personality cannot be changed and if it is there, change may be slight or mild. अब उसका इसका मतलब क्या है? Traditional belief क्या मानता है कि personality को बिल्कुल change नहीं किया जा सकता, कोई भी एफर्ट हम करते हैं तो वो क्या होंगे? फ्रूटलेस होंगे. यानी कि ये किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? परसिस्टेंस इन पर्सनालिटी. यानी कि ट्रेडिशनल बिलीफ क्या बोलता है? हमारी पर्सनालिटी क्या है? परसिस्टेंस है. लेकिन अब परसिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं है कि जैसी हमारी बाय बर्थ थी डिट्टो वैसी की वैसी ही पर्सनालिटी रहेगी. मतलब क्या है ट्रेडिशनल बिलीफ का? कि ज्यादातर जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं वो सिमिलर रहते हैं. एक दो में अगर कुछ चेंज होता भी है तो वो बहुत कम चेंज होता है, माइल्ड छोटा सा चेंज होता है. सो वो क्या होता है? हमारा परसिस्टेंस. और वो किस में माना जाता था? हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ में. अब हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ अगर परसिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब मॉडर्न बिलीफ किसे सपोर्ट करेगा? चेंज को. मॉडर्न बिलीफ रिगार्डिंग पर्सनालिटी इज डिफरेंट. अब वो अलग है. इसमें क्या बिलीफ है? कि पर्सनालिटी इज चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कंडीशन. यानी कि पर्सनालिटी चेंज हो जाती है हमारी एनवायरनमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग. कि हम बर्थ लेते हैं लेकिन उसके बाद हमारा फैमिली कैसी है, हमारे स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट है, हमारी जॉब कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, उसके बेस पे लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, ये चीजें चेंज होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है. लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि मतलब क्या है, टाइम लेगा. लेकिन जैसे हम बड़े होंगे, बर्थ लिया तो सालों लग जाते हैं क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े होते हो. ऐसा तो है नहीं कि एक ही मिनट में हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी चेंज. टाइम लेगा. लेकिन मॉडर्न बिलीफ क्या कहता है? कि पर्सनैलिटी चेंज होती है. ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी बिल्कुल ही सेम रहती है. जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते रहते हैं. कि आप जब बच्चे थे तब आपकी पर्सनैलिटी अलग थी. जैसे जैसे आपको ज्यादा नॉलेज मिलने लगती है, स्कूल में जाने लगते हो, जन हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, यहां जाते जाते आपकी पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं. ये कौन मानता है? हमारा मॉडर्न बिलीफ. अब हमने परसिस्टेंस में क्या किया था कि उसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी. एक दो हमारे ट्रेट चेंज हो सकते हैं, वो भी माइल्ड चेंजेस होंगे. ऐसे ही चेंज का मतलब भी ये नहीं है कि हमारे ए टू जेड सारे ही ट्रेट चेंज होंगे. इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो सेम रहे, लेकिन ज्यादातर ट्रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ किसे सपोर्ट कर रहा है? हमारी परसिस्टेंस को. और जो मॉडर्न बिलीफ है वो क्या बोलता है? चेंज होंगे.
सो हम अब भी कंफ्यूज हैं कि हम किस चीज पे फोकस करें, ट्रेडिशनल बिलीफ पे या फिर मॉडर्न बिलीफ पे, कि हमारी परसिस्टेंस है या फिर चेंज होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी है कैसी। और ये क्या है, एक डिबेटेबल टॉपिक है जिसका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है कि पर्सनैलिटी में क्या होता है। लेकिन जब हम अपने ऊपर उसे रख के देखते हैं और जब सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम छोटे थे और हम बड़े हुए हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, वैसे ही अगर आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होता है तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। सो टाइम के साथ आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस जरूर आते हैं। सो चेंजेस इन पर्सनैलिटी, अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, चेंजेस इन पर्सनैलिटी डजंट मीन अ कम्प्लीट ऑल्ट्रेशंस। कि हमने पहले भी बोला है कि चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ही पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। और अगर परसिस्टेंस है उसका मतलब भी ये नहीं है कि कम्प्लीट पर्सनैलिटी स्टेबल है। इसका मतलब है अगर परसिस्टेंस है तो ज़्यादातर ट्रेट जो हैं वो परसिस्ट करेंगे, यानी कि सेम रहेंगे, कुछ चेंज हो सकते हैं वो भी थोड़े बहुत। ऐसे ही चेंजेस में क्या होगा कि ज़्यादातर चेंज होंगे, कुछ परसिस्टेंस भी रह सकते हैं। चेंजेस कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मेजर किए जा सकते हैं, यानी कि किसी ट्रेट में इंक्रीज या डिक्रीज जब होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी या तो बढ़ जाती है या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस। जैसे कि एक पर्सन है वो टॉकटेटिव था, लेकिन अगर वो और ज़्यादा टॉकटेटिव हो जाता है तो उसके क्वांटिटेटिव ट्रेट में क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वो बातें करना थोड़ी कम कर देता है तो इसका मतलब उसका डिक्रीज हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव यानी कि जो भी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है उसमें या तो कुछ इंक्रीमेंट आ जाना, थोड़ा इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस डिफरेंट है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसके बजाय जो वो ट्रेट है वो कम्प्लीटली किसी दूसरे ट्रेट के थ्रू रिप्लेस हो चुका है। क्वालिटेटिव चेंजेस एनी ऑफ योर ट्रेट चेंजेस विच इज रिप्लेस्ड बाय न्यू ट्रेट, कि आपका कोई ऐसा ट्रेट जिसे नए ट्रेट ने रिप्लेस कर दिया है। सच एज पहले आप काइंड थे और अब आप बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हो, तो यानी कि एरोगेंस आ गई है अब आप में। सो वो क्या है, आपकी काइंडनेस को एरोगेंस के ट्रेट ने कम्प्लीट जो है रिलोकेट कर दिया या फिर आप रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप में वो चेंज बचा ही नहीं जो पहले था। इसका मतलब है कि आपकी पूरा जो चेंज है वो रिप्लेस कर देता है आपके पुराने वाले ट्रेट को। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, वही ट्रेट या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव में वो जो ट्रेट है वो रिप्लेस हो जाता है। डिफ़िकल्टीज इन स्टडी ऑफ वेदर पर्सनैलिटीज परसिस्टेंस और चेंजिंग, कि हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये पता नहीं चलता, ये अब भी डिबेटेबल टॉपिक है कि पर्सनैलिटी क्या है, परसिस्टेंट है या फिर चेंज होते हैं, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉजेज है, कि अब भी हमें नहीं पता चलता। उसके तीन मेन रीज़न क्या है, इनस्टेबल रेजिडेंस, कि हम अब एक पर्सन की स्टडी करना शुरू कर दें कि चलो भाई इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि पर्सनैलिटी परसिस्टेंस है या फिर चेंज होती है, लेकिन एक पर्सन का रेजिडेंस सेम नहीं रहता है। मीन्स आप पहले बच्चे होते हो तो आप घर में रहते हो, फिर आप स्कूल में भी जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, जॉब करने चले जाते हो, तो हर टाइम उस इंसान के पीछे पीछे रह के स्टडी करना ईजी नहीं है आपका रेजिडेंट, क्योंकि चेंज होता रहता है, कई बार लोकेशन ही चेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्टडी एक्यूरेटली नहीं हो पाती, और अभी तक हम ये जज नहीं कर पाए हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, परसिस्टेंस है या चेंजिंग है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी कम ही हैं, जिनको हम अब हम कोई भी स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पर्सनालिटी पे सर्वे करना है तो आप खुद सैंपल लोगे, उसके साथ साथ आपको पुराने रिकॉर्ड पढ़ने की भी जरूरत होती है उसे अच्छे से सर्वे करने के लिए, लेकिन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से ये हमारी जो स्टडी है उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता और हमारी स्टडीज जो है वो फेल हो जाती है या फिर एक बेटर कंक्लूजन पे नहीं आ पाती। सो लैक ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड भी हमारे एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। लैक ऑफ स्टडी मेथड, कि जितने हमारे पास मेथड भी बहुत कम है अब चेंजेस के, ज़्यादा नहीं है, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, अब हम ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है या मेथड नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सके। इसकी वजह से भी हम ये पता नहीं लगा पाते कि हमारी पर्सनैलिटी परसिस्टेंस है या चेंजिंग है। कॉजेज फॉर परसिस्टेंट, यानी कि अब हमारी स्टेबिलिटी जो रहती है पर्सनैलिटी में, उसको उन चीज़ों में क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी की परसिस्टेंस में, उसके ना चेंज होने में।
फर्स्ट इज चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड। अगर आपका चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड जैसा रहा है वैसी ही आपकी पर्सनालिटी रहेगी। अगर दो पर्सन्स का चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड सेम है तो उनकी पर्सनालिटी भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड किए थे जिसमें थे डेमोक्रेटिक थे, परमिसिव थे, ऑथोरिटेरियन थे। सो वो सब क्या है, जैसा आपका चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड रहा है। अगर आपका चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड परमिसिव है, इसका मतलब क्या है कि आपको सारी छूट मिली हुई है, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, आप खुद सीखो, जो करना है वो करो। तो जैसा आपका चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड दिया गया यानी कि बचपन में जो आपको सिखाया गया ना, वैसी ही लाइफ टाइम आपकी पर्सनालिटी रहती है। क्योंकि एक बार बच्चा जो सीखता है ना, वही वो क्या करता है, अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। सो चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी क्या है, परसिस्टेंस हो जाती है। देन हेरिडिटी पोटेंशियल, यानी कि जो हमारी जीन्स से मिलता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉडी कलर कैसा है, हम फेयर हैं, हमारा डार्क कलर है, हमारी फिजिक कैसी है, हाइट क्या है, वेट क्या है, उसको क्या है, ये हेरिडिटी जो पोटेंशियल है, हमारा टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है, ये हमारी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं होने देते। क्योंकि हेरिडिटी पोटेंशियल्स वो हैं जो हमें जीन्स से मिलते हैं और उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। देन सोशल एनवायरमेंट, यानी कि सोशल एनवायरमेंट में क्या, हमारे रिलेशन, हमारे रिलेशन कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर ब्लड रिलेशन है कि आप ब्रदर सिस्टर हो, तो आप ब्रदर सिस्टर ही रहोगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिमिलर रहेंगी। सो उनके टुवर्ड्स जो पर्सनालिटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि सोशल एनवायरमेंट के ब्लड रिलेशन चेंज नहीं हो सकते। एंड रेपिटेशन ऑफ एक्सपीरियंसिस, यानी कि अगर आप एक ही चीज को बार बार फेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये लगता है कि जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते तब एग्जाम डिफिकल्ट आता है, या आपके साथ दो तीन बार लगातार हुआ है, ये एक्सपीरियंस आपने कई बार किया है, तो ये आपकी पर्सनालिटी में कंप्लीटली ऐसे आप मान के चलोगे कि हमेशा ऐसा ही होगा, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे ये माइथ ही क्यों ना हो, लेकिन आप इसे सच मान लोगे। सो अगर एक एक्सपीरियंस आप बार बार लेते हो तो उसकी वजह से वो आपकी पर्सनालिटी में एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि फिर उसे चेंज किया ही नहीं जा सकता। कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी चेंजेस, अब हमने डिस्कस क्या किए थे कि हमारी पर्सनैलिटी की जो परसिस्टेंस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनैलिटी चेंज होती है वो किस किस फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस, कि फिजिकल चेंजेस तो होंगे ही, कि टाइम के साथ क्या होगी, आपकी फिजिक चेंज होगी, डेफिनेटली आपकी फिजिक चेंज होगी, आपकी बॉडी बिल्ड चेंज होगी, तो फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, जैसे आपके हेयर की ग्रोथ होगी, आपके नेल्स की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। सो टाइम के साथ फिजिक एंड बॉडी बिल्ड चेंज होती है तो पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। अब एक बार पहले आप क्या थे, आप हैवी थे, आपके हैवी वेट थे, लेकिन आपने जिम वगैरह करके क्या किया, अपने फिजिकल चेंजेस अपने लूज कर दिया वेट को, तो उसकी वजह से क्या होंगे, आपके फिजिकल चेंजेस होंगे और पर्सनालिटी भी चेंज होगी। चेंज इन एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपके झगड़े होते हैं, जो भी आपके क्लैशेस वगैरह हो जाए, आपके जो रिलेशन रहेंगे सोशल एनवायरनमेंट में आपके फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, कलीग्स के साथ, अगर वो चेंज होती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। चेंज इन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल, यानी कि जो आपकी लाइफ में मोस्ट प्रीशियस पर्सन है, जिसको आप बहुत मानते हो, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सो अगर वो लोगों का जैसा भी टेम्परामेंट रहेगा, उनकी जो थिंकिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। जैसा वो करेंगे आप भी वैसा ही करोगे, मीन्स आप क्या करते हो, सिग्निफिकेंट पीपल जो आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल है उनके साथ ही चलना चाहते हो, क्योंकि आप उनके बिना टाइम नहीं निकाल सकते, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा उनका जो रोल रहेगा, अगर वो चेंज होंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी। चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आपको अपने बारे में कितना पता है। आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, यानी कि आपके अपने बारे में थिंकिंग चेंज हो रही है, अगर आप ये समझने लग जाते हो कि हाँ मैं काइंड हूं, तो आप सच में काइंड बनने लग जाते हो। सो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है, और अगर आपको ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इवन अगर नहीं भी होगी ना, तो ये सोचने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। चेंज इन मोटिवेशन, अब आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, चाहे आप पढ़ भी रहे हो ना, तो आप किस चीज़ के हम मेरे जो फादर मदर है, मेरी फैमिली खुश होगी मेरे रिजल्ट से, इसलिए आप पढ़ते हो। सो वो सब क्या, आपको किसी ना किसी चीज़ की मोटिवेशन चाहिए होती है। जब भी आप किसी काम
में एफर्ट्स लगाते हो, तो अगर आपकी मोटिवेशन बदल जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। चेंजेस इन प्लेइंग रोल्स, अगर आपके रोल चेंज हो रहे हैं, अगर आपके रोल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन में ही लेके चल रहे हो, पहले आप एम्प्लॉय थे, फिर आप क्या बन गए, मैनेजर बन गए, तो मैनेजर बनोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज होंगे। अब एम्प्लॉय की और मैनेजर की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है, उनकी रोल्स अथॉरिटी सब डिफरेंट होती है। सो ये सब चीज़ें, ये जो चेंजेस हैं आपके रोल्स में, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज इन पर्सनैलिटी, अगर वो चेंजेस होते हैं तो वो कैसे होंगे, बेटर वर्सेज वर्स्ट चेंजेस भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव वर्सेज क्वांटिटेटिव और स्लो वर्सेज रैपिड। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एक ही ट्रेट का इंक्रीज या डिक्रीज होना और क्वालिटेटिव में उसका रिप्लेस हो जाना। स्लो वर्सेज रैपिड चेंज, यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी कि सालों में चेंज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो। लेकिन रैपिड यानी कि सडनली आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई, पहले आप कुछ और थे, अब आप बिल्कुल अलग दिखा देते, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देख लेते हो, एकदम से जो दिखा देते हैं कि जो हमारा हीरो है वो बिल्कुल ही बदल गया, सो वो सब क्या है, हमारे रैपिड चेंजेस होते हैं, जो एक सडन चेंजेस होते हैं। बेटर वर्सेस वर्स्ट चेंजेस, यानी कि जो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाते हैं वो तो होते हैं बेटर चेंजेस, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप काइंड बन रहे हो, ऑनेस्ट बन रहे हो, तो वो सब क्या है, आपके पॉजिटिव चेंजेस। और अगर आप क्या कर रहे हो कि आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो, डिसऑनेस्ट बन रहे हो, या फिर आप किसी की हेल्प नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, वर्स्ट चेंजेस, यानी कि जो अनफेवरेबल इम्पैक्ट डालते हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.